आइडिया वीडियो जमात 1 से 3 के बच्चों की वालदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग में आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है आपको पिछले हफ्ते का आइडिया वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के काम की शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते के जज्बातों की पहचान वाली वर्कशीट बच्चों ने कैसे की और मोमबत्ती से सजावट, इस वीडियो के बारे में आपके ख्यालात हमें ज़रूर बताएं। आप साथ में लाई हुई वर्कशीट हाथ में पकड़कर फ़ोटो लेते हैं, तब तक हम ये वीडियो यहाँ रोक देते हैं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है करके देखते हैं। तमाम वालदा दायरे में बैठे, दरमियान में एक प्लेट, चम्मच और मोबाइल रखें। चंद लम्हों के लिए मोबाइल की स्क्रीन पर तस्वीर के 6 टुकड़े नज़र आएंगे। तमाम वालदा को पहचानना होगा कि ये किसकी तस्वीर है और प्लेट पर चम्मच से मारना होगा। सबसे ज़्यादा तस्वीरों को पहचानने वाली माँ को विनर करार दिया जाएगा। उम्मीद है ये सरगर्मी सभी वालदा ने खुशी खुशी की होंगी। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है कुछ नया सीखते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते में हमने प्लेट डेकोरेशन की सरगर्मी की। आइए अब इसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करते हैं। अच्छा, अब समझ आ रहा है कि हम बढ़ते क्यों हैं। बहुत अच्छे। अब एक बात बताओ, शरीर को अच्छे से बढ़ने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? दूध और हरी सब्जियाँ और फल भी, व्यायाम भी करना चाहिए। अरे वाह, तुम सब तो बड़े समझदार हो। सही कहा, अच्छे से बढ़ने के लिए शरीर को बहुत से पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अगर खाने में अलग अलग रंग के फल, सब्जी और अनाज शामिल करें तो सारे जरूरी पोषक तत्व हमें आसानी से मिल जाएंगे। ऐसा ही एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है आयरन। क्या तुम्हें पता है शरीर को आयरन की जरूरत क्यों होती है? क्यों होती है दीदी? खून में ऑक्सीजन के संचार के लिए आयरन जरूरी होता है। शरीर में आयरन की कमी होने पर एनीमिया हो सकता है, जिससे आराम करने के बावजूद भी तुम्हें कमजोरी और थकान महसूस होती रहेगी। ओ, लेकिन हमें आयरन मिलेगा कहाँ से दीदी? आयरन मिलता है मटर, पालक, आलू, दाल, सूखे मेवे और मछली से। और हाँ, अगर आयरन को विटामिन सी युक्त भोजन के साथ खाया जाए तो ज्यादा मात्रा में शरीर में आयरन अवशोषित होता है। विटामिन सी मिलता है आंवला, संतरा, नींबू और आम जैसे फलों से। अरे वाह, आम तो मेरा मनपसंद फल है। खाने की बात करते करते तो भूख लग गई दीदी। हाँ पिंकी, चलो चलकर गर्मा गर्म खाना खाया जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके तजुर्बे हमें जरूर बताएं। चलिए अब आगे की सरगर्मी करते हैं, जिसका नाम है घर जाकर बच्चों से करवाएं। तस्वीर में जैसे दिखाया गया है, इसके मुताबिक कागज पर नाव की तस्वीर बनाएं। बच्चों को रंगीन कागज से नाव बनाकर वर्कशीट में चिपकाने के लिए कहें। वर्कशीट मुकम्मल करने के बाद अगले हफ्ते अपने साथ लेकर आएं। क्या बच्चे को इस वर्कशीट को करने में खुशी मिली? इस तजुर्बे को हमें जरूर बताएं। आज की गतिविधियां यहां पर समाप्त हो रही हैं। ऐसे ही और नई जानकारियों और गतिविधियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना व बच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद।